हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा ये भाई दूज का व्लॉग है। तो मैं यहाँ मायके जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो मेरे चेहरे पे खुशी, अलग ही खुशी है ये। और मैंने यहाँ वेलवेट की साड़ी पहनी हुई है। तो वेलवेट की साड़ी मेरी काफ़ी हैवी है, इसका पल्ला जो कि मेरे सिर पर टिक नहीं रहा तो था, क्योंकि भाई ससुराल है तो सिर पे पल्ला रखना है। तो मैंने यहाँ कॉटन का दुपट्टा ले लिया है ताकि मेरे सिर पे टिका रहे। और फिर मैं ये मायके पहुँच गई हूँ। तो मैंने देखा फिर वहाँ भैया थे नहीं, क्योंकि मेरे भैया ड्यूटी पर थे और वो 4 बजे आएंगे। और वो जब आएंगे तभी दौज होगी, तभी दौज करूँगी। तो अब फिर यहाँ पर मेरी भाभी लोग लंच की तैयारी कर रही हैं। तो लंच में इन्होंने आज गोभी आलू की सब्ज़ी बना रखी है, तो जो पक गई है लगभग। और उधर ये कचौड़ियाँ भाभी फ्राई कर रही हैं। और उधर मेरी छोटी सिस्टर है, ये भर के बेलती हुई जा रही है। एक जन बेल रहा है तो भाभी फ्राई कर रही हैं। इस तरीके से ही लोग लंच बना लेंगे ताकि जल्दी हो जाएगा। और कचौड़ियाँ मेरी फेवरेट हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और भाई जिसको फेवरेट चीज़ मिल जाए तो खाने का टेस्ट भाई अलग ही हो जाता है, उसको उसकी भूख और बढ़ जाती है। तो कचौड़ियाँ जब फ्राई हो रही थी तो मेरी भूख और बढ़ गई थी कि लग रहा था बस जल्दी से खाऊं खाना। और बहुत टेस्टी भी बनी थी कचौड़ियाँ। तो मैं भी बनाती हूँ लेकिन कम ही बनाती हूँ, क्योंकि हाँ मेरे पापा जी को शुगर है तो मैं बना नहीं पाती हूँ ज़्यादा, बहुत ही कम। बहुत ज़्यादा मन करता है तभी बनाती हूँ, वरना नहीं बनाती हूँ आलू की कचौड़ियाँ मैं ज़्यादातर। से तो ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा तब यहाँ आती हूँ और फिर बनी ही हुई मिलती है तो और ही अच्छा लगता है खाना। जब बना बनाया खाना मिल जाए और तो भूख तो अपने आप ही और बढ़ ही जाएगी। और मैं वीडियो बस इसी तरीके से थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड हुआ है, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भी बोल दिया था तो वो भी थोड़ा बहुत, इससे भी एक छोटी सिस्टर है उसको भी मैंने बोला तो वही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करी है। और मेरी बेटी ने भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया है, ये ज़्यादा देर के लिए आई नहीं थी। तो ये देखिए पहले तो लंच रेडी हो गया और थाली देखिए कितनी बढ़िया लग रही है खाने में, बढ़िया लग नहीं रही, टेस्टी भी बहुत थी खाने में। तो यहाँ पर ये मेरी कज़िन सिस्टर हैं और भैया आ जाएंगे, तो 4 बज गए हैं तो भैया आ गए हैं। तो मैं यहाँ उनको टीका कर देती हूँ। और टीका करने के बाद घर में पटाखे रखे हुए थे जो दीपावली के भैया लेकर आए हुए थे, तो रखे हुए हैं क्योंकि भाई घर में ज़्यादा बच्चे हैं नहीं हैं, दोनों बहनें हैं तो वो भी बड़ी हैं तो वो लोग तो ज़्यादा नहीं छुड़ाए वगैरह। तो ये भैया की बेटी है तो वो तो बहुत छोटी है तो वो कैसे छुड़ाएगी। और मेरे भैया को बच्चे बहुत पसंद हैं तो ये देखिए कैसे लेके बैठे हुए हैं। और इनके पीछे बच्चे भी परेशान रहते हैं, बच्चे भी, ये भी खुद भी बच्चों के लिए परेशान रहते हैं तो बहुत करते हैं बच्चों के साथ, पूरा बच्चे बन जाते हैं, मस्ती करते रहते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ ये देखिए चक्री चला रहे थे तो ये चक्री फट भी गई थी, तो सब लोग डर गए कि अच्छा हुआ बच्चे सब दूर थे, बच्चों को दूर कर दिया था हम लोगों ने पहले ही कि भाई दूर रहो। और अच्छा है दूर थे बच्चे, वरना कहीं फट जाते तो बच्चों को भाई लगने का डर रहता है। तो यहाँ सब बच्चे फुलझड़ियाँ वगैरह जला रहे हैं, तो देख ही रहे हैं आप लोग यहाँ पे कितने बच्चे हैं। ये बच्चे आधे से भी कम हैं, बच्चे बहुत हैं यहाँ पे। मेरी मायके की बहुत बड़ी फैमिली है और यहाँ कुछ दिनों बाद यहाँ पे शादी होगी तो मैं शादी आऊँगी, मेरे कज़न ब्रदर हैं उनकी शादी है तो उसमें आऊँगी। तो आप लोग देखिए काफ़ी बच्चे हैं यहाँ, और यहाँ हम लोगों को बहुत मज़ा आता है भाई, सब लोग इतना प्यार मान सम्मान देते हैं तो सभी को अच्छा लगेगा। और भाई यहाँ पे हम लोग की क्या, ये मेरा मायका है, कोई भी आता है तो बोर नहीं होता, सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ के। और बस ये देखिए बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। और हम लोगों की तो दीपावली ऐसा लग रहा था आज ही है दीपावली, उस दिन तो इतनी मस्ती, दीपावली वाले दिन इतनी मस्ती नहीं करे थे जितना आज मस्ती किए हैं। तो इसके बाद यहाँ हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा
खुद मैंने ही रिकॉर्ड किया। ये बाहर का थोड़ा सा मेरे घर का बाहर का व्यू है। शाम का समय हो रहा था तो यहाँ भैया ने जो लड़ियाँ लगा रखी हैं, लाइटिंग वगैरह लगा रखी थी, तो वो जला दी थी, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये एक दो पिक हैं जो मैंने ली थी, तो उसको भी मैंने ऐड कर ली हैं, तो मुझे अच्छी लगी, ताकि ये हमेशा सेव रहे। वही मेरे मोबाइल से तो डिलीट भी हो जाएंगी, और यहाँ से डिलीट जल्दी से नहीं होंगी, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल पर। तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर मुझे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरी मेरे भाई दूज का व्लॉग कैसा लगा, मेरा माइका का, जैसे माइके में भाई जो लोग पहले से हैं वो लोग तो देखे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।